तबाही। तो भाई यार आपने तबाही का नाम तो सुना ही होगा। सो सेम चीज यार आज हम पबजी में करने वाले हैं। मतलब यार इस वाले गेम प्ले में आपको सिर्फ तीन चीज देखने को मिलेगी, तबाही तबाही और तबाही। तो भाई इस वाले गेम प्ले वीडियो में हम उतरे थे पोचिंकी की गलियों में एंड अपनी जो स्टार्टिंग होने वाली है वो पोचिंकी से ही होने वाली है। तो भाई अब देखो यार तो भाई अगर आप पोचिंग की आते हो और पोचिंग की में आपको यार पहले ही घर में M4 जैसी तबाही गन मिल जाए तो भाई वो मजा ही आ जाता है। एंड सेम चीज यार मेरे को भी M4 मिल जाती है। एंड इस M4 की जो पहली किल की शुरुआत होती है वो होती है एक बोट के साथ। तो भाई यहाँ पर यार बोट की क्रेट से मेरे को बैरल मिल जाती है। मतलब कि भाई अब मेरे पास दोनों ओपी गन मतलब तबाही गन आ जाती है, बैरल और M4। तो भाई अब क्या था, अब बंदों को पेलना स्टार्ट करना था। सो भाई अब जो बंदा था वो ठीक मेरे सामने बैठा था एंड ये बंदा यार अब हमको देखो कितना ज्यादा घुमाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि मैं अपनी स्क्रीन साफ कर रहा था एंड इतने में बंदूकबाज यार पूरी स्क्वाड को वाइप कर देता है। तो भाई पिछली वीडियोस में यार आपकी कमेंट आ रही थी कि आप बंदूकबाज को रितेश भाई क्यों बोलते हो। तो यार पहली बात यह है कि यार वो मेरे से एज में बड़े हैं इसलिए यार मैं उनको रितेश भाई बोलता हूँ। लेकिन यार अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो भाई आज से मैं उनको बंदूकबाज बोलने वाला हूँ। सो भाई अब यहाँ पर जो दूसरी स्क्वाड थी वो ठीक हमारे सामने थी एंड बंदूकबाज यार उन पर पुश करने वाला है। तो भाई उनको कवर देने के लिए भाई मैं पीछे से जाता हूँ एंड अब आगे देखो यार वो मेरे को कैसे बचाते हैं यहाँ पर। अब भाई यहाँ पर मेरी गन रिलोड पे लग जाती है लेकिन सही टाइम पे यार बंदूकबाज का पीछे से कवर आ जाता है। एंड इसके बाद भाई यहाँ पर हमको पता चलता है कि अभी ये स्क्वाड की जिससे वाइट चल रही थी वो बंदे तो अभी बाकी हैं, तो अभी उनको मारना बाकी था। अब भाई यहाँ पर यार इस वाले डुओ को क्लियर करने के बाद हमको लगता है कि पोचिंग की क्लियर हो जाता है, पर ऐसा सिर्फ हमको लगता है। तो भाई यहाँ पर मेरे पास वेस्ट नहीं थी एंड वेस्ट लेने गाइस मैं यहाँ पर इस वाले घर में जाता हूँ एंड तभी भाई इतना बुरा कैंप कौन करता है यार। हमने इतनी फाइट कर ली, यहाँ पर हमने एक स्क्वाड और एक डुओ को वाइप कर दिया, पर यार बंदे की मजा लिए हिल गया हो यहाँ से। एंड इसी के साथ भाई जैसे हम इसको क्लियर करते हैं तो मैं फटाफट कॉल देता हूँ कि बंदूकबाज भाई यहाँ से निकलने में ही भलाई है। मतलब यहाँ पे पता नहीं भाई कितने कैंपर बैठे होंगे। तो भाई अब यहाँ से हम निकलने का डिसाइड करते हैं और हम पोचिंकी से गाड़ी उठाते हैं। पोचिंकी से गाड़ी उठाने के बाद हम स्कूल से होते हुए अपार्टमेंट से होते हुए यहाँ से जा ही रहे होते हैं रोजोक की तरफ। लेकिन तभी भाई हमारे पीछे से गाड़ी आ जाती है। बाल बाल बचा मेरे भाई। तो यार यहाँ पे सबसे पहले मेरा टास्क ये था कि सबसे पहले अपने आप को हील किया जाए एंड इसके बाद हमको पता चलता है कि जिस स्क्वाड ने मेरी 1 HP करी थी उनकी फाइट किसी और स्क्वाड के साथ हो जाती है। तो भाई अब बारी आती है उन पर रोटेट करके उनको मारने की। Watching, 'cause it's shocking. Can't be stopped.
अब भाई यहाँ पर हाई एंड पे तो हम पहुंच गए थे, लेकिन हमको यार इतना नहीं पता चल रहा था कि यहाँ पर कितने बंदे बाकी है। एंड इसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं पूरा राइट से रोटेट करके जाऊंगा, एंड तभी भाई मेरे को ये वाला बंदा दिखता है। अब भाई यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर ओल्ड डेड हो गया, लेकिन मेरे भाई अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब मैंने उस नोक बंदे को फिनिश किया था तब उसको एक बंदा रिवाइव करने आया था, तो अभी उसको मारना बाकी था। तो अब देखो यार, तो हाँ मेरे भाई फाइनली मतलब रोजोक की सारी स्क्वाड वाइप हो जाती है। एंड इसके बाद यार हम इनको लूटते हैं, एंड भाई जोन भी स्टार्ट हो गया था तो हमको जोन में भी जाना होता है, तो फटाफट हम इनको लूटने के बाद जोन में निकल पड़ते हैं। समझदारी से खेलेंगे यार, समझ रहे हैं। तो भाई जैसे यार हम जोन में आते हैं तभी यार मेरे को लेफ्ट से एक बग्गी दिखाई देती है जो कि यार जोन में आ रही होती है, तो भाई मेरे को इतना पता चल जाता है कि उन बंदों की हेल्थ भी बहुत कम होगी। तो यार फटाफट यहाँ पर मैं बंदूकबाज भाई को कॉल देता हूँ कि ऊपर एक बग्गी रुकी है, चलो यार उसे मारते हैं। तो भाई यहाँ पर यार एक ही बंदा था जो कि बग्गी में था, एंड इसको मैं आराम से मार देता हूँ। एंड इसके बाद भाई हम फटाफट जोन में निकलते हैं क्योंकि जो सेकंड जोन था भाई वो भी बन गया था। एंड भाई अब जोन में आने के बाद जो ड्रॉप था वो ठीक हमारे सामने हुआ था, एंड ड्रॉप पे यार कुछ बंदे भी लूटने आ गए थे। तो भाई बंदूकबाज भाई का कॉल आता है कि जैसे ये बंदे यार ड्रॉप लूटने के बाद गाड़ी में बैठेंगे तब हम इन पे फायर करेंगे। अब भाई जैसे यार हमको पता चलता है कि हमने सामने वाली स्क्वाड के दो बंदों को नॉक कर दिया है तो ये एकदम सही टाइम था यार उनके ऊपर पुश करने का। तो यहाँ पर हम फटाफट अपनी डांसे उठाते हैं एंड उनके ऊपर पुश कर देते हैं। अब भाई यहाँ पर ये जो बंदे थे ये गाड़ी के कवर से रिवाइव हो रहे थे, तो मेरे को इतना पता था कि ये गाड़ी के पीछे हैं, तो भाई मैं गाड़ी से उतरती अंधाधुंध स्मोक में फायर कर देता हूँ एंड दो बंदों को यार मैं फिनिश भी कर देता हूँ। लेकिन एक बंदा था जो कि स्मोक में लेटा था एंड भाई वो फायर करके मेरे को नॉक कर देता, लेकिन बंदूकबाज भाई मेरे को बचा लेते हैं। एंड इसके बाद यार हम यहाँ पर इनको लूटने के बाद हमको पता चलता है कि सामने यार एक और स्क्वाड आ गई है जो कि हमको कैम्प कर रही है। तो भाई अब बारी आती है स्मोक करके सबसे पहले अपनी डांसिया को सेव किया जाए एंड उसके बाद यार उन पर रोटेट कर उनको सबक सिखाया जाए। अब भाई इतने यार दूसरे वाले बंदे को मैं अपनी ओम से मारता, उससे पहले भाई बंदूकबाज भाई दोनों को बंदों को यार यहाँ पर खा जाते हैं। एंड इसके बाद भाई ये वाली स्कोर थी इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। एंड अब यार इनकी क्रेट लूटने के बाद अब हमको जोन में जाना था, एंड जैसे यार हम जोन में जाते हैं तो भाई यहाँ पर हमको एक कंपाउंड दिखाई देते, तो हम सोचते कि भाई यहाँ पर होल्ड किया जाए, लेकिन भाई यहाँ पर बंदे निकलते हैं। यहाँ पर यार हमने इनके दो बंदे तो बड़ी आसानी से मार दिए थे, लेकिन जो यार इनका बचा हुआ टीममेट रहता है वो आके जंप करने लगता है क्योंकि भाई वो बंदूकबाज भाई का फैन होता है। तो इसके बाद यार हम उनको पीछे छोड़ते हैं एंड इसके बाद भाई पहाड़ पे से कुछ बंदे रहते हैं जिनको भाई जोन में आना होता है, तो सबसे पहले भाई हम यहाँ पर आते हैं अपनी डांसियों को सेव करते हैं एंड उन बंदों का जोन ब्लॉक करते हैं। Enemies ahead.
अब भाई ये होता है यार दिमाग से खेलना। तो भाई हम चाहते तो यार इनसे पहले भी फाइट ले सकते थे, लेकिन भाई हम इनका जोन ब्लॉक करते हैं एंड इनको हम बड़ी आसानी से मार देते हैं। तो भाई अब इनको मारने के बाद अब कुछ ज्यादा बंदे नहीं बचते हैं, मतलब कि एक स्क्वाड रहती है मीटअप वाली एंड बाकी के बचे दो बंदों को मारने में भी हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती। अब भाई पीछे आकर यार मैं इन बंदों से बात कर रहा था, लेकिन तभी भाई बंदूकबाज भाई का कॉल आता है कि पीछे एक बंदा है जो कि जोन के बाहर है, तो फटाफट आ जा इसका जोन ब्लॉक करते हैं एंड भाई मैं पहुंच जाता हूँ यार उनकी कॉल आते ही। अब भाई M249 से इस बंदे की तो मैं क्रेट बना देता हूँ, लेकिन इसके बाद भाई बचता है एक बंदा जिसको यार हम अब जोन में ढूंढने वाले हैं। तो भाई अब आगे देखो। अब भाई ऐसी सिचुएशन में जो बंदे रहते हैं भाई वो जोन के एज पे होते हैं, तो मैं और बंदूकबाज भाई जोन का एज चेक कर रहे थे एंड तभी यार ये बंदा मेरे को स्पॉट हो जाता है। तो भाई अब बारी आती है इनसे पैन फाइट करने की एंड यार पहली बार मेरे से ऐसा हुआ है कि मेरे सामने यार कोई पैन फाइट में इतनी देर तक टिक पाया, मतलब कि यार मैं यार सामने वाले को मार देता हूँ या फिर यार उनसे मर जाता हूँ, लेकिन भाई ये लड़की यार मरने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब भाई इतना भागने के बाद भाई फाइनली यार मैं इस वाली लड़की को मार देता हूँ एंड इसी के साथ भाई हमारा हो जाता है। पहली बार आ रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना एंड साथ ही साथ यार वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। सो यार मैं मिलता हूं आप सभी को अगले गेम प्ले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट गेम प्ले। पीस।